अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में और आप यहां देख सकते हैं आयुष जो बैनर पोस्टर लगा है और हमारे साथ आयुष के छोटे भाई अंश हैं, तो इनसे बात करेंगे और सारा जानकारी आप लोग के बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो क्या कैसे कैसे क्या हुआ था आयुष के साथ? अब वो जब अपने विंटर ब्रेक से आया था, अपने वो मसूने पढ़ता था ओक ग्रोव स्कूल में, वो इंडियन रेलवे सर्विस का बहुत अच्छा स्कूल है, इंडिया टॉप स्कूल है इंडिया में। वो विंटर ब्रेक में आया था तो मेरे पापा ने, हम लोग ने कुछ चीज़ें महसूस करी थी कि वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहा है जो उसके लिए बहुत हार्मफुल है और कह सकते हैं एक तरीके से इलीगल भी है, तो पापा ने वो सबको फेंक दिया। अगले सुबह वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, मम्मी का फ़ोन तोड़ दिया और मेरे को मारा, मेरे चश्मा तोड़ दिया। तो पापा ने सोचा इसको नशा मुक्ति केंद्र मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देना चाहिए, तो फुलवारी शरीफ मानस हॉस्पिटल है जो इसके ओनर संतोष कुमार है वहाँ पे उसको कंसल्ट किया और एडमिट करा। तो 21 को उसे एडमिट करा था, 28 को पापा मिलने गए लेकिन तब मिलने नहीं दिया, तो खाली जो कैमरा थे उस पर टीवी पे दिखाया गया कि वो ठीक है, चल रहा है, घूम रहा था। तो 4 तारीख को वापस गए पापा, तो उसने बताया कि यहाँ पे कैमरा ऑफ करके एक सुजीत नाम के स्टाफ ने उसको मारा है। तो पापा ने फिर उसे सुजीत को बुलाया और आयुष को पूछा कि क्यों मारा गया था, तो बताया गया कि रात में ये लोग नशे का इंजेक्शन दे देते हैं और फिर सुबह उठने को बोलते हैं, और सुबह उठने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डॉक्टर है वो सुबह राउंड पे आते हैं और अब वो जो स्टाफ है अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए कि वो सबका केयर करे, उसको मार के गाली देकर उठाया गया और योगा करवाया गया। फिर उसके बाद वो पूछा गया उससे तो वो कहने लगा खाली लफड़ थप्पड़ करे थे, तो तब जो क्योंकि वो खाली सुबह को आते संतोष कुमार, तो पापा ने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उधर से उन्होंने कहा श्योर सर ऐसा कभी वापस नहीं होगा। फिर अभी 12 तारीख को 4:30 बजे फ़ोन आया कि उसने उल्टी करी, उसका पल्स रेट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद फिर से फ़ोन आया कि इसको पारस ले जाए कि कहाँ ले जाए, तो पापा को फिर घबराहट होगी क्योंकि पारस का नाम सुन के, तो पापा ने बोला एम्स ले जाइए, वो सेंटर के बिल्कुल पास ही में था। हम लोग 2 घंटे बाद पहुँचे क्योंकि हम लोग 100 किलोमीटर दूर थे, वहाँ पे देखा तो उसमें कुछ, आप लोग पटना से बाहर गए? हाँ, 100 किलोमीटर दूर थे, दो घंटे बाद पहुँचे, बहुत जाम भी था, तो पता चला कि कुछ नहीं उसके अंदर, अब वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि पोस्टमार्टम कराने चाहिए, तो आखिरी बार उसके बॉडी को देखना चाहे हम लोगों ने, हम लोग देखने गए, देखा बहुत सारे बॉडी मार्क्स उसके ऊपर थे, बर्न मार्क्स और मारने के जैसे मारते हैं ना जोर जोर से तो निशानों में जाकर, तो पापा वो देख के फ़ोटो खींच के FIR करने चले गए। तो वो संतोष कुमार जो डॉक्टर थे, तभी हम लोग तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उन्होंने उसका अपोजिट बिल्कुल दरिंदे का रूप ले लिया, उससे भी बुरा। वो मेरी मम्मी से बदतमीजी से बात करने लगे, ये मेरे चाचा हैं इनके बारे में भी बहुत कुछ बोला, और ऐसे हम लोग को धमकी देके गए कि हम लोग भी कमज़ोर नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे ही मेरे पापा वहाँ से गए, उन्होंने लगता है दिमाग में ही सोच लिया था कि ऐसा होगा, उनकी चोरी पकड़ी गई थी और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो डॉक्टर है और हॉस्पिटल में थे, हम लोग उनको ज़्यादा बोल भी नहीं सकते वरना सारी डॉक्टर। अभी गर्दनी बाग में क्यों बैठे? गर्दनी बाग में हम इसलिए बैठे क्योंकि आज धरना है इसके वजह से, और इससे पहले हम लोग 2 कैंडल मार्च भी कर चुके हैं। हम लोग को बस इंसाफ चाहिए हम लोग के, मेरे भाई के लिए। और मेरे को एक क्वेश्चन और है संतोष कुमार से, वो जो इतना बोल के गए थे कि हम लोग भी कमज़ोर नहीं हैं, तो अब क्यों कॉन्फ्रेंस में बैठ के नाश्ता ये सब का जुगाड़ करके लीपा पोती कर रहे हैं? ये तो साफ साफ दोगलापन ही है ना, कि पहले बोला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बाद खुद चूहे की तरह ये सब कर रहे हैं, हिम्मत है तो कुछ करे ऐसा ही है। तो देखिए, ये अंश का स्टेटमेंट है जो कि लगातार आप लोग सुने, ये छोटा बच्चा है जो कि अपने भाई के बारे में ये भी बता रहा है कि भाई मेरा जो है मेरे साथ भी क्या किया था, और उसके साथ जो हॉस्पिटल के द्वारा, ये मानस हॉस्पिटल जिसके डायरेक्टर हैं संतोष जी, उन्होंने इसके भाई के साथ क्या किया और किस प्रकार से जो है ये मामला आप लोग के बीच आ रहा है और तेज़ी पकड़ता ही जा रहा है। ये मामला जो है दिन प्रतिदिन वायरल होते जा रहा है सोशल मीडिया पर, और लगातार जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, और आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में आज पूरा जो है यहाँ बहुत सारे नेतागण भी आ रहे हैं इनसे मिलने, शायद पप्पू यादव जी भी अभी मिलने आएंगे,
और बहुत सारे नेता लोग यहाँ मिलने आएंगे, लेकिन आयुष मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे जो मामले हैं वो बिहार में ना हो और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो। जय हिंद।